हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो बहुत टाइम बाद आ रही है, तो जो वीडियो आई है वो आपके लिए थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैंने 12th 11th करवा दिया है। ये बीए इंग्लिश ऑनर्स का लेसन तो नहीं, स्टोरी है एक नॉवल, द बाइंडिंग वाइन। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो द बाइंडिंग वाइन, इस स्टोरी के अंदर आपको बहुत सारे करेक्टर्स देखने मिलेंगे। आप अभी स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो आपको। ओके, दस ले लिया स्क्रीनशॉट, हो गया, लिख विख लिया, अब स्टार्ट करते हैं। ओके चलो, तो द बाइंडिंग वाइन के अंदर ना मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझाने की ट्राई करूंगी, जिससे कि आपको समझ आ जाए। आप अपने आप को ना एक पुलिस ऑफिसर समझ लो, ठीक है? आप एक इतना बड़ा केस सॉल्व करने बैठे, ठीक है? अब स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? इसके अंदर द बाइंडिंग वाइन किसने लिखी है? शशि देश पांडे जी ने। शशि देश पांडे के बारे में आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ, कौन है ये, क्या है। तो शशि देश पांडे एक नॉवल राइटर है, ठीक है? इन्होंने बहुत सारी नॉवल्स लिखी है, लेकिन इनकी जो फिफ्थ नॉवल थी, दैट लॉन्ग साइलेंस, इसको अवार्ड भी मिला था, पूरे बहुत टाइम बाद मिला था, लेकिन मिल गया था, ठीक है? और शशि देश पांडे क्या करती हैं, अपनी हर एक नॉवेल्स में ना मेन लीड रोल जो होता है ना, किसको रखती हैं? एक फीमेल वर्जन को, जैसे कि चाहे वो डॉक्टर हो किसी की, या फिर कोई वाइफ हो, या फिर माँ हो, या कोई भी हो, मेन लीड रोल किसको मिलता है? फीमेल्स को। ये मेल को इतना प्रेफर नहीं करती अपने मेन लीड रोल में, ठीक है? तो इसके अंदर भी लीड रोल किसका है? एक फीमेल का, जिसका नाम है उर्मिला। ओके, उर्मिला का शॉर्ट नेम क्या है? उर्मी। इसे प्यार से लोग क्या बुलाते हैं? उर्मी। चलो जी, उर्मी कौन थी? उर्मी के घर के अंदर कौन कौन थे, सारा कुछ जान लेते हैं। उर्मी का सन क्या नाम था उसका? कार्तिक। कार्तिक का इतना इन्वॉल्वमेंट है नहीं इसके अंदर, तो उसे हटाओ। उर्मी का हस्बैंड कौन था? किशोर। किशोर एक मर्चेंट नेवी में काम करते थे, ठीक है? इसलिए इस स्टोरी से, इस नॉवल से वो एब्सेंट। ओके, किशोर हो गए इनके हस्बैंड। सन कौन था इनका? कार्तिक। और इनकी एक डॉटर थी, ठीक है? थी क्यों? क्योंकि जब उनकी डॉटर 1 साल की थी तब वो डाइड हो गई, मर गई, ठीक है? तो उर्मी उसी दुख के अंदर थी कि उनकी जो डॉटर है वो एक्सपायर्ड हो गई है, अभी अभी पैदा हुई थी, अभी अभी मर गई, इसलिए उनको थोड़ा ज्यादा दुख था, ठीक है? चलो जी, उर्मी की मम्मी का नाम क्या था? मदर नेम इन्नी। उर्मीज मदर नेम इज इन्नी। उर्मी की ग्रैंड मदर का नाम था बाईजी। उर्मी की ग्रैंड फादर का नाम था अनु। उर्मी के सर्वेंट का नाम था दिवाकर। ओके, सर्वेंट का मैंने यहाँ पे क्यों नाम बताया है ये आपको आगे पता चलेगा जब स्टोरी स्टार्ट होगी। उर्मी के ब्रदर का नाम था अरुण, ठीक है? ये तो हो गई उर्मी की पूरी फैमिली। अब मिलते हैं किशोर, उसके हस्बैंड की फैमिली से। ओके, किशोर कौन थे? उर्मी के हस्बैंड। किशोर की फैमिली में कौन कौन था? किशोर की एक सिस्टर थी जिसका नाम था वाना। किशोर की जो सिस्टर थी ना, वो उर्मी की भी एक चाइल्डहुड फ्रेंड थी, जिससे कि उर्मी भी अटैच थी। उर्मी के कितने रिलेशन हो गए? बहुत सारे हो गए। एक सन है, बेटा है उनका कार्तिक, उनकी ग्रैंड मदर है बाईजी, उनके ग्रैंड फादर है अनु, उनकी मदर है इन्नी, और उनका जो सर्वेंट है वो क्या है? दिवाकर। ओके क्लियर। किशोर की बात करते हैं। किशोर की एक नॉन, उर्मी और किशोर की नॉन जो है फ्रेंड, वो कौन है? उर्मी की फ्रेंड किशोर की सिस्टर, क्या नाम है उसका? वाना। वाना क्या है? एक मेडिकल सोशल वर्कर है। वाना क्या है? मेडिकल सोशल वर्कर। ओके, उर्मी के हस्बैंड किशोर की थी दो मदर। कैसे? एक मदर थी उनकी मीरा, जो कि डाइड हो गई थी वो भी जब किशोर थे 1 डे के, ठीक है? याद रखना, किशोर थे 1 डे के तब उनकी मदर मीरा एक्सपायर हो गई, तो इसलिए किशोर के फादर ने क्या करी? सेकंड मैरिज करी। स्टेप मदर उनकी कौन थी? वो अक्का। क्या नाम था? अक्का। अक्का इज किशोर स्टेप
थी दुख के अंदर क्योंकि उसने अपनी बेटी खोई थी। ठीक है, किशोर था अपने मर्चेंट नेवी अपने काम पे। तो उर्मी के साथ कौन रहता था? उर्मी के साथ रहती थी वाना। वाना उसको ट्राई करती थी थोड़ा उसके दुख से बाहर निकलने के लिए कि वो थोड़ा हो जाए कि मतलब एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को ढाल ले या कुछ एक इंसिडेंट समझ के भूल जाए। बट उर्मी का जो दुख था वो सबसे बड़ा था। तो एक इंसिडेंट वाना ने शेयर किया स्टोरी के अंदर कि उर्मी तुम्हें याद है कि ऐसा हम एक बार बचपन में थे, ठीक है, मतलब बचपन में थे और साइकिल से हम गिर गए थे, ऐसा कुछ इंसिडेंट उन्होंने बस शेयर किया। लेकिन उर्मी अपने दुख में थी, उर्मिला, तो उन्होंने उस बात को नहीं समझा। उन्होंने कहा तुम्हारा साइकिल वाला इंसिडेंट मेरे दुख से कहीं ज्यादा है, तो प्लीज तुम इसे तुम नहीं समझ सकती इसे और इसका मजाक भी मत बनाओ और मुझे नहीं याद दिलाओ कुछ भी, ठीक है, मैं जैसी मुझे वैसी रहने। आफ्टर अ वाइल, कुछ दिनों बाद उर्मी उस चीज से वापस आई, ओवरकम कर रही थी वो इस दुख को और अपने वापस आ गई कहां पर? काम पर। ओके, उर्मी और वाना चाइल्डहुड फ्रेंड थे, मैंने जैसे कि आपको बताया है, और अपना चाइल्डहुड उन्होंने कहां स्पेंड किया है? रानी दुर्ग के अंदर। रानी दुर्ग के अंदर किसने अपना चाइल्डहुड स्पेंड किया है? उर्मी एंड वाना। ओके, उर्मी के बारे में और भी कुछ बताती हूँ। उर्मी की मदर कौन थी? इन्नी। इन्नी क्या थी? इन्नी को ना इतना मतलब उनकी मदर को ना इतना अटैचमेंट या इतना वैसा नहीं था, वो छोड़ के चली जाती थी ऐसे, जैसे मार्केट जा रही है तो छोड़ के चली जाती। तो एक इंसिडेंट शेयर हुआ इसके अंदर कि उर्मी की माँ जब मार्केट गई थी आस पड़ोस में ही, तो पूरा ब्रीफली नहीं बताया है इसके अंदर कि कहाँ गई थी। तो उर्मी की मदर गई थी, सडनली उनकी उर्मी के फादर जल्दी काम से आ जाते हैं और वो देखते हैं उर्मी एक सर्वेंट के साथ अकेली घर में बैठी हुई है। ठीक है, उर्मी भी ज्यादा बड़ी नहीं थी, तो उनके उर्मी के फादर ने ये डिसाइड करा कि उसको अपनी ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर के यहाँ पे छोड़ दिया जाए विदाउट कंसल्टिंग। किससे कंसर्न नहीं किया था उसने? अपनी वाइफ से, बिना पूछे समझे उसको अपनी ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर के पास छोड़ दिया था रानी दुर्ग के अंदर, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये ढंग से पाल नहीं पा रही है मेरी लड़की को, सर्वेंट के साथ छोड़ जाती है। तो उन्होंने अपनी वाइफ के बिना कंसर्न किए उनको अपनी बेटी से दूर कर दिया। ये इंसिडेंट आपको इसलिए अभी बताया मैंने क्योंकि आगे काम आने वाला। ओके, लेट्स स्टार्ट। उर्मी और वाना, जब उर्मी ओवरकम कर रही थी अपने दुख को, उसने अपने वाना, क्योंकि एक सोशल मेडिकल वर्कर थी, तो उन्होंने एक केस आया हॉस्पिटल के अंदर, एक रेप केस। रेप केस क्या है? उसकी विक्टिम कौन थी? कल्पना। रेप केस की विक्टिम कौन थी? कल्पना। ठीक है, नाम याद रखिएगा, कल्पना। कल्पना की मदर का नाम क्या था? शक्कूताई। कल्पना's मदर नेम इज शक्कूताई। कल्पना कौन थी? रेप विक्टिम, जिसका रेप हुआ था। ठीक है, शक्कूताई के कितने बच्चे थे? एक लड़का था और दो डॉटर्स थी। क्या था डॉटर्स का नाम? सन का नाम इन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो कंफ्यूज मत होना कि उर्मी का सन का नाम कार्तिक एंड शक्कूताई की सन का नाम नहीं बताया। ओके ओके, शक्कूताई की दो डॉटर्स थी, कल्पना जिसका रेप हुआ था वो, और संध्या जो कि कल्पना की थी छोटी बहन। ओके, शक्कूताई क्या था? शक्कूताई की सिस्टर कौन थी? सुलोचना। इनको प्यार से क्या बोलते थे? सुल्लू। शक्कूताई की थे तीन बच्चे, कौन कौन थे? एक उनका लड़का, एक कल्पना, एक संध्या। ओके, शक्कूताई की बहन कौन थी? सुलोचना, सुल्लू, जिसे प्यार से क्या बोलते थे? सुल्लू। सुल्लू के कोई भी बच्चा नहीं था, वो चाइल्डलेस थी। ठीक है, इसलिए सुल्लू को ना हमेशा एक डर रहता था कि कहीं उसका हस्बैंड उसे छोड़ ना दे। उसके हस्बैंड का क्या नाम था? प्रभाकर। प्रभाकर ने इसके अंदर एक तरीके से लीड रोल तो नहीं, बट एक होता है ना, मतलब जैसे मूवीज के अंदर होता है कि एक एनिमी होता है, एक वैसा होता है, तो इसके अंदर ये एनिमी ही था। एनिमी नहीं, मतलब छोड़ो। ठीक है, सुल्लू के हस्बैंड का नाम क्या था? प्रभाकर। सुल्लू के हस्बैंड का नाम प्रभाकर। तो वो हमेशा एक अफ्रेड में रहती थी, डर में रहती थी कि उसका हस्बैंड कहीं उसे छोड़ ना दे, किसी और से शादी ना कर ले और मेरे को घर से बाहर ना निकाल दे। ठीक है,
तब के जमाने में बहुत होता था ये, अभी भी होता नहीं होगा। तो शकुदाई एक अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी, वो एक छोटे से विलेज से बिलोंग करती थी, ठीक है। तो जब कल्पना का रेप हुआ, वो थी हॉस्पिटल के अंदर, शकुदाई नहीं चाहती थी ये, जब सब लोग उससे क्वेश्चंस कर रहे थे हॉस्पिटल के, सब लोग उससे जब क्वेश्चन कर रहे थे, शकुदाई उसका आंसर नहीं दे रही थी, उल्टा अपनी लड़की कल्पना को ही वो ब्लेम कर रही थी कि इट्स योर फॉल्ट, कि तुम कपड़े ऐसे पहनती हो, तुम्हारा वे ऑफ टॉकिंग ऐसा है, तुम बहुत फ्रेंडली हो इससे तुम्हारा रेप हुआ है, इसके अंदर किसी और की कोई गलती नहीं है। उर्मी ये सारा इंसिडेंट देख रही थी अपनी फ्रेंड वाना के साथ, ठीक है। अब बताती हूँ थोड़ा पहले का इंसिडेंट, इसे रिमाइंड कर दिया गया है, पहले का इंसिडेंट क्या था। सुल्लू का हस्बैंड प्रभाकर कल्पना को करता था लाइक, समझ रहे हो बात को, कल्पना को लाइक कौन करता था, प्रभाकर, सुल्लू का पति, ठीक है। और क्या चाहता था, देखो मैंने लिखा भी है, लाइक्स कल्पना, और ये क्या करना चाहता था, वॉन्ट टू मैरी कल्पना, कल्पना से शादी करना चाहता था, और ये प्रपोजल उसने अपनी वाइफ और वाइफ की बहन शकुदाई के सामने रख दिया था कि मेरी इससे शादी करा दो, ठीक है। इस बात पे जहां उन्होंने उनको भड़कना चाहिए था कि ऐसे कैसे कह सकते, उन्होंने भड़की नहीं, उन्होंने वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा तुम शादी करना चाहते हो, ठीक है कर, ऐसा किसने कहा, सुल्लू ने, सलोचना, ठीक है। क्यों कहा ऐसा, क्योंकि, क्यों कहा, क्योंकि वो चाहती थी कि ठीक है मेरी बहन की लड़की है और उसके आने से मुझे कोई डर भी नहीं है कि मैं को बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है, उससे मुझे कोई डर नहीं है, तो ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते। शकुदाई ने क्या कहा, ठीक है मेरी बहन के घर में ही तो जा रही है तो भेज देते हैं, व्हाट्स बिग डील। बट कल्पना ने अपना ऑब्जेक्शन उठाया, उसने कहा कि मुझे इस रिश्ते से नफरत है, मुझे नहीं करनी शादी, क्यों, क्योंकि कल्पना लाइक समवन एल्स, कल्पना किसी और को पसंद करती थी, ठीक है। कल्पना नहीं चाहती थी किसी मैरिड आदमी से शादी करना, वो भी उसके जो उसकी मम्मी के बहन का पति है, ठीक है, उसे शादी नहीं करना चाहती थी वो। तो अब भाई प्रभाकर के ईगो पे बात आ गई, ठीक है, उसके ईगो पे बात आई, तो उसने किया रेप, ठीक है। जब रेप हुआ, ये सारा इंसिडेंट पता चल गया, बाहर आ गई बात कि अच्छा प्रभाकर चाहता था शादी करना, ये उर्मी सब सुन रही थी, सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे हॉस्पिटल के अंदर। तो उर्मी ने अपनी चुप्पी तोड़ी, क्या किया, उर्मी की एक फ्रेंड थी जर्नलिज्म, जर्नलिस्ट थी वो, उसने सारी न्यूज किसको दे दी, अपनी फ्रेंड को, उसने बताया कि ऐसा ऐसा केस है, ऐसा ऐसा है, तो आप आओ और कल्पना को, कल्पना को क्या करो, उसे सपोर्ट करो, उसके बारे में सही सही छापो, जिससे संध्या को भी कोई दिक्कत ना आए उसकी मैरिज में, ना ही कल्पना को, ठीक है, उसे इंसाफ दिलाओ। तो उनको इंसाफ मिला, शकुदाई ने भी अपनी बेटी को एक्सेप्ट किया कि हाँ उसकी गलती नहीं थी। आफ्टर दैट इंसिडेंट, ये सारे इंसिडेंट के बाद क्या हुआ, जब शकुदाई की बहन सुलोचना सुल्लू को पता चला कि सारी गलती उसके पति प्रभाकर की है, उसे सुसाइड नहीं कर लिया, ठीक है, और मर गई, मरना ऐसे प्रभाकर को चाहिए था, बट उसकी वाइफ मर गई उस गिल्ट में कि मेरे पति ने ऐसा करा है, वो भी उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ होती है स्टोरी हमारी एंड, और अगर आप लोगों को कोई डाउट हो या कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो।